नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक बड़ी खबर जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा अल्टरनेट मीडिया में भी नहीं हुई, और वो है वसुंधरा राजे की मीटिंग जो कि भजन लाल शर्मा के साथ हुई है। और भजन लाल शर्मा खुद वसुंधरा राजे से मिलने के लिए गए थे, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत दबाव में है भजन लाल शर्मा। और अगर भजन लाल शर्मा की ये नौबत आ गई है कि उनको वसुंधरा राजे के दरवाजे जाना पड़ रहा है, तो भजन लाल का मतलब है अमित शाह। अमित शाह और भजन लाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका मतलब ये है कि अमित शाह एक तरीके से खुद ना जाकर भजन लाल शर्मा को उन्होंने वसुंधरा के दरवाजे भेजा है। इसका मतलब ये है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अमित शाह वसुंधरा राजे के आगे घुटने टेकना। क्योंकि आपको याद होगा कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री उनको बोला जाता है कि पर्ची में से उनका नाम निकाला गया था और उस नाम को वसुंधरा राजे के हाथ में दे दिया गया था, और वसुंधरा राजे ने जब पर्ची खोली तो उसमें भजन लाल शर्मा का नाम था। जाहिर सी बात है कि ये बात वसुंधरा राजे को बहुत बुरी लगी थी। वसुंधरा राजे तब से बिल्कुल चुपचाप हो चुकी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब से तमाम जो खबरें थी कि एक रिजेंटमेंट नजर आ रहा है राजस्थान यूनिट में बीजेपी के, अभी हाल में आपने देखा कि किरोड़ी लाल मीना ने भी रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दिया था। तो यानी कि कुल मिलाकर चीजें जिस तरह से चलनी चाहिए थी नहीं चली, और अब अमित शाह को आटे दाल का भाव समझ में आ रहा है कि अगर राजस्थान में अगर अगर जिंदा रहना है बीजेपी को तो बिना वसुंधरा राजे के काम नहीं चलेगा। इसलिए वसुंधरा राजे के आगे ऑलमोस्ट अमित शाह ने घुटने टेक दिए हैं। और कैसे? क्योंकि भजन लाल शर्मा उनके दरवाजे पर गए हैं और अमित शाह के चहेते हैं भजन लाल शर्मा, इसलिए दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं जो कि राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अनिल जी, जो पहला सवाल है कि ये मीटिंग लगभग 2 या 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन इतनी मीटिंग ये चर्चा में क्यों नहीं आई? एक सपाट मीटिंग सबने रिपोर्ट कर दी, लेकिन उसके पीछे के मायने, उसके पीछे की जो एनालिसिस है वो ज्यादा नहीं हुई, क्यों? नीलू जी, मुझे लगता है कि लोकल पेपर्स के अलावा या कुछ डिजिटल मीडिया जो छोटे चलते हैं डिजिटल मीडिया पे, उसके अलावा आपको इसके बारे में, मुझे नहीं लगता दिल्ली या किसी नेशनल मीडिया ने इसके बारे में कवरेज भी करी हो। अगर करी भी हो तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में करी कि सीएम मिलने गए वसुंधरा राजे से, और बड़ा ही टिपिकल सा एनालिसिस मैंने छोटे उस प्लेटफॉर्म पे भी देखा। उसको देख के मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो बोले बजट डिस्कस करने गए। देखिए, बजट सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और 2 दिन पहले बजट की आप क्या डिस्कस करने जाएंगे? 2 या 3 दिन पहले बजट छप चुका होता है यूजुअली, तो आप 3 दिन पहले क्या करने जाएंगे? तो मेरा मानना है कि उससे बड़ी बात है, आपने जो शुरू में बोला घुटने टेक दिए या वो कर दिया, मैं मानता हूं कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे जरूर हुआ है, जिसका असर और जिसकी गूंज बोलूंगा, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। और इसका एक कारण मैं आपको छोटा सा और पुटअप कर दूं, जब आप अगले क्वेश्चन पे आए, उससे पहले अगर आप देखें तो राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, वसुंधरा जी एक ही जगह रही अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी झालावाड़ 12 में, कहीं नहीं गई। उसका असर क्या पड़ा? 11 सीटें आपने राजस्थान में खो दी। मैं ये नहीं कहता हूं कि वसुंधरा जी आपको 11 की 11 जितवा देती, पर अंतर कम होता, क्योंकि वो 5 सीट लीडर थी। 25 में से 11 सीट आपके इंडिया अलायंस ले गया, बड़ा नंबर है, क्योंकि 2014 में 0, 2019 में 0, दोनों बार बीजेपी 25 में से 25, आपके 14-11। वसुंधरा जी कहीं नहीं गई। आप इन सब को जोड़ेंगे, इस गणित को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि वसुंधरा जी की इंपॉर्टेंस थी, जिसको इन लोगों ने इग्नोर करा, और उस इग्नोर करने की वजह से मार खाई। नीलू जी, लेकिन अनिल जी, जब आज भजन लाल शर्मा वसुंधरा राजे से मिलने जाते हैं, तो क्या भजन लाल शर्मा की जो निकटता है या जो जो कितने करीब हैं अमित शाह के, वो किसी से छुपी नहीं है? और सब ये कहते हैं कि भजन लाल शर्मा और अमित शाह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो क्या आज एक तरीके से ये नहीं होगा कि क्या अमित शाह ने आज इस बात को एक्नॉलेज कर लिया, अमित शाह और मोदी जी ने, कि राजस्थान में बिना वसुंधरा राजे के कुछ नहीं हो सकता? वही वसुंधरा राजे जिनको अभी तक उन्होंने इग्नोर किया था, आज अमित शाह को वसुंधरा राजे के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं अगर भजन लाल शर्मा उनसे मिलने के लिए गए। देखिए, ये सेंटेंस मैं नीलू जी वापस बोलूंगा, जो यहाँ की गूंज है वो दिल्ली तक, दिल्ली के कानों तक पहुंची कि हमारे लिए सब कुछ ठीक नहीं है राजस्थान में,
इन द मीन टाइम क्या हुआ, किरोड़ी लाल मीना जो मंत्री थे, कृषि मंत्री, उनको ओहदा दिया गया था, वो बड़े नेता हैं एसटी कम्युनिटी के और मीना कम्युनिटी के, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो सब कुछ ठीक नहीं था राजस्थान में आप देखिए, और सब कुछ ठीक नहीं है, यही दर्शाता है। दो बड़े नेता आपके, एक ट्राइबल नेता किरोड़ी लाल मीना जो रिजाइन करके बैठे हैं, और आज तक ये ऑफिशियली नहीं बताया गया कि वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है या क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, जबकि वो दिल्ली में भी मिलके आए थे, उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं है, अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, विधानसभा नहीं गए। तो और बजट सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन होता है, आप समझिए जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है उस दिन नॉर्मली विप में ये होता है कि सबके सब आए, ये दोनों नहीं थे वहां। तो ये मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, दोनों यानी कि किरोड़ी लाल मीना और वसुंधरा जी, हाँ दोनों वहां प्रेजेंट नहीं थे जब बजट प्रेजेंट करा गया। तो आप मुझे बताइए, और वसुंधरा जी तो वो नेता हैं जिनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए मीडिया भागता है। वो कांग्रेस का भी जब बजट प्रेजेंट होता था, जब अशोक गहलोत प्रेजेंट करते थे कि उनके पास फाइनेंस था और वो मुख्यमंत्री भी थे, तो सबसे पहले वसुंधरा जी की प्रतिक्रिया ली जाती थी। आपके वसुंधरा जी थी नहीं तो आप प्रतिक्रिया किसकी लेते, किरोड़ी लाल मीना थे ही नहीं तो आप प्रतिक्रिया किसकी लेते। ये दो जने बड़े टॉप लीडर हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में, तो सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। और ये गूंज मैं मानता हूं कि गूंज दिल्ली वालों ने सुनी, और वो रास्ता निकालने के लिए उन्होंने भजनलाल शर्मा जी को शायद भेजा कि ऐसा ना हो आगे और गलती हो जाए। हाँ नहीं, बट लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इतनी सुगबुगाहट अगर बीजेपी में है जो राजस्थान की स्टेट यूनिट है, तो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। किरोड़ी लाल मीना ने तो कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाकी लोग, और अगर इतना रिजेंटमेंट है तो पार्टी में किसी की आवाज राजस्थान यूनिट से क्यों नहीं सुनाई पड़ रही, कोई ये, कुछ तो बोलेगा, ये सब डरे हुए हैं। मैं नीलू जी आपको फिर एक चीज याद दिला पाऊंगा, ये नेशनल मीडिया है जिसको सुनाई नहीं दे रही। आप अगर राजस्थान में होती तो आप बोलती विधानसभा के अंदर मेजोरिटी जो प्रस्ताव लगे हैं वो लगाए बीजेपी के एमएलए ने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कांग्रेस अच्छा। ने नहीं लगाए हैं, उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है यहाँ पर। आप किसी कार्यकर्ता से बात करें, मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं, मैं नाम कोट नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए राइट नहीं है। एक पार्षद का मेरे पास फोन आया जो एक कमेटी का चेयरमैन है, उसने मेरे से भिड़ते हुए बोला भाई साहब क्या करें। मैंने कहा क्या हो गया, हम तो एक ट्रांसफर भी नहीं करा सकते क्योंकि जो ट्रांसफर भी है वो भी ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। सरकार का मुख्यमंत्री के पास हम अपना निवेदन लेके जाते हैं कि साहब इसको देखिएगा, तो हम अपने एरियाज में अपने आदमी चाहेंगे ना। अभी जो लोग लगे हुए ज्यादातर अशोक गहलोत के टाइम के लगे हुए हैं, वो ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं तो क्या ब्यूरोक्रेसी हावी है भजन लाल शर्मा के ऊपर, क्या भजन लाल शर्मा को ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही है, और हो सकता है कि ये ब्यूरोक्रेसी का की जो पूरी रिमोट है वो अमित शाह के हाथ में हो, क्या ये चीज तार नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही बोला, ये ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है। भजन लाल जी के पास मुझे कई बार लगता है कि बड़े काम करने का उनके पास में मुझे नहीं लगता उनको पावर दिया गया है। मुझे लगता है वो जाता है थ्रू ब्यूरोक्रेसी टू दिल्ली, और इसीलिए क्या हो रहा है जो काम है राजस्थान में डिलेड हो रहे हैं। और ये मैं कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी में जिंदगी काटी है, और बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता से आप मिलिए वो आपको यही बोलता हुआ नजर आएगा कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। आपको याद होगा देवी सिंह भाटी एक प्रोमिनेंट नेता हैं बीजेपी के, बीकानेर से आते हैं, उनकी एक बाइट थी अगर लोगों ने सुनी हो, उसमें उन्होंने कहा क्या कहा, उन्होंने उसमें यही कहा कि मेरे को बड़ा अचंभा लगता है, मतलब उसका मैं इंटरप्रिटेशन और उनके वर्बटम दोनों को एक साथ मिला के बोल रहा हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। उनका कहना यह था कि मैं ये देख रहा हूं सीएस मतलब चीफ सेक्रेटरी के बाहर तो लाइन लगती है एमएलए की, और सीएमओ और सीएमआर मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस या चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर कोई एमएलए आता नहीं। तो क्या ये पूरी ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है जिसको दिल्ली से चलाया जा रहा है, और दिल्ली इस पर डिसीजन ले रही है, और उसका अंतर यह पड़ रहा है कि राजस्थान की अस्मिता का सवाल उठ गया कि हमें तो दिल्ली गाइड कर रहा है, और ये चीज बड़ी महंगी पड़ रही है। नीलू जी आपने देखा होगा लोकसभा चुनावों में महंगी पड़ी, और अभी 5 जगह चुनाव है आपके, अगर आपने उसमें से कुछ खो दिया
तो आप देखिए होता क्या है, उपचुनावों में ज्यादातर जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है, उसकी सीट ज्यादा आती है। ये एक फॉर्मूला आप कभी भी उठा के देखिएगा, यही होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या भजनलाल जी की सरकार बच पाएगी? मेरे को तो इस पे भी मतलब ये बचने का बीजेपी के नंबर्स हैं, ऑब्वियसली सरकार तो रहेगी, पर क्या भजनलाल जी उसके मुख्यमंत्री होंगे? अगर वो रह गए तो क्या सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष होंगे बीजेपी के? तो आप ये कह रहे हैं कि काफी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दिखती है? और अमित शाह क्या होने देंगे? अमित शाह के वो फेवरेट है। देखिए जो पार्टी और जिनके नेता, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, टॉप जो आप नाम ले रहे हैं उसमें एक और को जोड़ लीजिए, पीएम को भी, जो म्यूनिसिपल चुनाव में भी हैदराबाद और तेलंगाना पहुंच गए थे, क्या वो अपनी सरकार को खोते हुए देख सकते हैं? दे कैन बी एट टाइम्स, यू नो, मैं हर समय बोलता हूं, उनकी पॉलिटिक्स इज लाइक रग्बी, इट इज नॉट लाइक शतरंज। उनका पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको रग्बी आना जरूरी है, इसकी टांग पकड़, इसको खींच, इसको पटक, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पर मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि भजनलाल जी को एकदम हटा दिया जाएगा। मेरा बोलने का मतलब है कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हटेगा, ये मुझे नजर आता है नीलू जी, आफ्टर बाय इलेक्शन। Okay. जो हमारे यहाँ पंचायत इलेक्शन भी ड्यू हैं, जो जनवरी के आसपास या जनवरी और मार्च के बीच में कभी हो जाएंगे, तो ऐसे हार मानना बीजेपी के लिए और खास तौर से दो जो ऊपर नेता बैठे हैं उनके लिए आसान नहीं होगा। तो इसका जो मायने है वो ये है कि जिस तरीके से राजस्थान की बीजेपी में चीजें चल रही हैं, तो अमित शाह को भी ये समझ में आ गया है कि वो दिल्ली से बैठ के और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए राजस्थान को चला नहीं सकते, क्या उनको इस बात का एहसास हो गया है? बिल्कुल हो गया, पर मैं आपकी बात से जोड़ूंगा, क्या वसुंधरा राजे से ये बात करने गए थे वो? वसुंधरा राजे तो सीएम नहीं है, तो क्या बात करने गए? अपना ओरिजिनल जो टॉपिक है वो है वसुंधरा जी के पास क्या करने गए? क्या उनको समझाइश करने गए कि मैडम जो कुछ आप हो वो जो आप हो वो आप ही हो और कोई हो नहीं सकता? क्या उससे वसुंधरा जी मान जाएंगी? वसुंधरा जी को तो पता है कि अमित शाह किस तरीके का खेल खेल सकते हैं, तो वो क्यों इतने सपोर्टिव मोड में आएंगी भजनलाल शर्मा के लिए? इसीलिए तो बजट में नहीं पहुंची मैडम, बजट से दो दिन पहले आप मिलके आए, क्या वो बजट में पहुंची? क्या उनकी प्रतिक्रिया एक छोटी सी 3 liners और 4 liners ऑन ट्विटर थी? क्या उन्होंने कुछ बोला? क्या ये नहीं दर्शाता नीलू जी कि वो इंडिफरेंट है, कि आप कुछ भी करिए मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को जो बोला जाएगा मैं कर दूंगी? क्या वो अपना इंडिफरेंस शो कर रही है? लगता बिल्कुल ऐसा ही है नीलू जी की, वो इंडिफरेंस शो कर रही है कि मैं ठीक है, मैं बैठी हूं, आप लोग अपना काम करते रहिए। नहीं तो अगर भजनलाल शर्मा बजट के पहले वसुंधरा को मिलने गए थे और वसुंधरा बजट में नहीं पहुंची, तो एक तरीके से क्या वसुंधरा ने अपना जवाब नहीं दिया कि भाई आप मेरे से कोई सपोर्ट मत एक्सपेक्ट करिए? और उनका बजट में ना पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है कि एक तरीके से अमित शाह को उन्होंने अपने ढंग से बता दिया कि भाई तुम अपने घर में ठीक हो, मैं अपने घर में ठीक हूँ। क्या ये मैसेज वसुंधरा राजे ने अमित शाह को नहीं दे दिया और अमित शाह गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बोलने वाले तो बीजेपी के जो नेता है वो तो कहते हैं उनको उनका बहुत जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाई, बट फैक्चुअली थी वो जयपुर, जयपुर में उनके घर से विधानसभा का डिस्टेंस होगा मुश्किल से 4 किलोमीटर, 3.5-4 किलोमीटर, वो तो नहीं आई। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो नहीं करके दिखाया, आप अपना काम कीजिए मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे को जो आप बता रहे हैं मैं कर रही हूँ, और उसके बाद में उनको जो इच्छा करी वो उन्होंने करा। ये एक देखिए बजट पे नहीं जाना, लोग अभी तक इस पॉइंट को किसी ने टच नहीं करा नीलू जी, बजट में नहीं जाना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये कितना बड़ा तमाचा है, ये क्या वसुंधरा राजे ने आज कितना बड़ा तमाचा अमित शाह के मुंह पर मारा है और बाकी जो बीजेपी की जो मेंबरशिप है और राजस्थान के जो बाकी लीडर्स हैं उनके ऊपर और भजनलाल के ऊपर भी, क्योंकि वो गए मिलने और वो बजट में नहीं पहुंची, ये कितना बड़ा तमाचा है वसुंधरा का सबके ऊपर? देखिए उन्होंने अपने ढंग से, ये मेरे को लगता है, देखिए ये मेरी रीडिंग है, हो सकता है वसुंधरा जी के दिमाग में कुछ और हो, मैं मना नहीं करता, किसी और के दिमाग को नहीं पढ़ सकता, मैं वो सुहानी शाह नहीं हूं जो पढ़ पाऊं, पर मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि उन्होंने ये एटीट्यूड दिखाया है कि मैं अपने में खुश, आप अपने में खुश,
आप करते जाइए, सरकार चलाते जाइए और जनता यहाँ पे दुखी होती जा रही है। उसमें वसुंधरा जी कहीं आपको दिखती नहीं, तो उन बड़ी पर्सनैलिटी किसी की राजस्थान में नहीं है बीजेपी में, तो ये बात माननी पड़ेगी। देख लीजिए जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, पहले आप आए इस पॉइंट पे, उससे बोलना चाहूंगा, राजस्थान की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको दो आदमियों को समझना बहुत जरूरी है, एक है वसुंधरा राजे और दूसरे अशोक गहलोत। दिल्ली में बैठे हुए लोग हर समय मिस करते हैं कि इन दोनों का स्टीचर क्या है। हाँ, मैं मानता हूं सचिन पायलट को पढ़ना भी जरूरी है, पर अशोक गहलोत के बाद में। और ऐसे ही वसुंधरा राजे को और बीजेपी की पॉलिटिक्स को आपको पढ़ना है तो वसुंधरा जी को पढ़ना जरूरी है, क्यों? वसुंधरा जी का एक एक जगह पे, एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक गांव में उनके कार्यकर्ता हैं आज की तारीख में, जिनको वो जानती है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, क्या किसी तरीके का कोई संवाद वसुंधरा जी और अशोक गहलोत के बीच में हो रहा है? किस तरीके का संवाद वसुंधरा राजे अपने जनता से कर रही है? क्या वो लोगों से मिलने के लिए निकल रही है? क्या है उनकी दिनचर्या अगर वो उन्होंने अपने आप को बंद करके वो बैठ गई है और वो एक तरीके से अपना साइलेंट प्रोटेस्ट दिखा रही है, या वो उन्होंने ये इस बात का संकेत दे दिया कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, तो अगर तो क्या उनका जो जनता से संवाद होता था, कनेक्ट होता था, जाके वो मिलती थी, क्या वो सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है इस समय? नीलू जी, बड़ा अचंभित करने वाली बात है कि वसुंधरा जी के घर पे एमएलए मिलने बहुत गए बीजेपी के, अभी हाल में आप कह रहे हैं? हाल में, ओके, मतलब बिफोर भजनलाल शर्मा गए उनसे पहले, उनके घर पे एमएलए भी गए, पार्टी वर्कर्स भी गए और ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी गए। तो ऐसा नहीं है कि वसुंधरा जी जिनसे मिलना चाह रही है उनसे नहीं मिल रही है, उनसे मिल रही है, अपने पार्टी के जो लोग हैं उनसे मिल रही हैं, कुछ एमएलए से मिल रही हैं और कुछ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं है, वो कट ऑफ लोगों से जिनसे मिलना है मिलती हैं, और ये पिछले दिनों में बड़ा है, ये घटा नहीं है नीलू जी। नहीं तो क्या इस, नहीं तो फिर जो आप बता रहे हैं उससे तो ये लगता है कि वसुंधरा राजे कोई बड़ा दांव चलने वाली है। क्या वो कोई एक ऐसा खेल खेलेंगी कि भजनलाल शर्मा को अपने आप ही स्टेप डाउन करना पड़े, और अमित शाह तो ऑलरेडी विवश हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं अगर वो वसुंधरा के आगे, तो फिर अमित शाह के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वसुंधरा को वो मुख्यमंत्री बना दे? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैम आपने, इसका आंसर सिर्फ अमित शाह दे सकते हैं, मैं ये नहीं जानता हूं। हाँ, ये जानता हूं कि रिस्पेक्ट सिर्फ वसुंधरा कैरी कर रही है अभी भी, ये मेरा एक पॉइंट था। और क्या उससे डर के भजनलाल शर्मा उनसे मिलने गए? अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू मी, क्या उन दोनों आप भले आदमी जो दिल्ली बैठे हैं उन्होंने डायरेक्ट करा कि देखिए उनके यहां तो लोग ज्यादा जा रहे हैं, आप जाके मिलके आइए और उनसे बात करके आइए, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए जिससे वो शांत हो, उनका गुस्सा शांत हो और वो इस खेल को कहीं बिगाड़ ना दे, क्योंकि वो पावर रखती हैं नीलू जी, वो पावर रखती हैं। पर अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, देखिए घर बिल्कुल आमने सामने है, जयपुर में जो सरकारी बंगले हैं दोनों के वो बिल्कुल अपोजिट है, आप एक के गेट में घुस के और दूसरे गेट में घुस सकते हैं, अक्रॉस द रोड है। पर क्योंकि अशोक गहलोत बीमार पड़े हैं पिछले 2.5 महीने से, ही इज ऑन बेड, सो देयर हैज बीन नो न्यूज ऑफ हिम मीटिंग वसुंधरा, बट देयर इज अ न्यूज ऑफ भजनलाल मीटिंग अशोक गहलोत। ओके, नहीं तो अब अगर भजनलाल गए हैं अशोक गहलोत को मिलने तो ये भी हो सकता है वो शिष्टाचार वाली एक कर्टसी मीटिंग हो सकता है, वो तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं इक्वेशन समझ रही हूँ कि भजनलाल शर्मा का वसुंधरा से मिलना, अमित शाह, वसुंधरा राजे और भजनलाल, इन तीनों, ये जो तिकड़ी है, ये पूरा जो खेल है, अब ये किधर को जाता हुआ आपको नजर आ रहा है आपके हिसाब से? बजट में नहीं गए, वसुंधरा ने अपने सारे संकेत दे दिए जी। मैं देखिए, मेरे को लगता है कि जो आने वाला चुनाव है 5, क्योंकि 6 महीने में होने जरूरी है, 6 महीने ले लीजिए, 4 जून से आपको 6 महीने के अंदर चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसके रिजल्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा नीलू जी। 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये पांचों की पांचों में से 5 में से 3 कांग्रेस के पास थी, 1 बाप के पास थी, मतलब बहुजन को भारतीय आदिवासी पार्टी, और 1 RLP हनुमान बेनीवाल के पास। अब ये दोनों जो हैं अलायंस के पार्टनर बन गए, क्या ये अलायंस में चुनाव होगा या नहीं होगा ये भी देखना पड़ेगा। और
क्या इसका रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ आया तो मैं मानता हूं कि टॉप में से कोई एक नेता या दो नेता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हटेगा। अब वो सीपी जोशी भी हो सकते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, मतलब सरकार या ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं चुनावों के बाद में, दिखता है ऐसा होगा अगर चुनाव नहीं गया। यानी कि उपचुनाव के बाद कुछ सरगर्मी दिख सकती है जिसमें कि मुख्यमंत्री भी बदल सकता है या कुछ पदाधिकारी बदल सकते हैं स्टेट यूनिट के, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, पहली पॉसिबिलिटी अगर आप मेरे से पूछेंगे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली मैं बोलूंगा ऑर्गेनाइजेशन में चेंज, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ी हार होगी अगर जिसको चुन के दो बड़े आदमियों ने दिल्ली से भेजा और उसको एकदम से हटा दें तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी हार होगी। और आप जानते हैं मोदी जी और अमित शाह को वो हार को इतना जीती जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अमित शाह का ये संदेश भेजना और भजन लाल शर्मा का वसुंधरा से मिलना, क्या ये फर्स्ट स्टेप नहीं है उस हार को एक्सेप्ट करने का कि भाई हमने अभी तक अपनी सुनी थी और उसमें हम हार गए, अब हम कुछ वसुंधरा जी के हिसाब से करके देख लें, हो सकता है बात बन जाए, तो क्या ये स्टेप अब अमित शाह नहीं उठाने की कोशिश कर रहे हैं? पब्लिकली करी कहां हुआ, मैं मुझे बताइए, अभी तो सब पर्दे के पीछे ढका हुआ है ना। आप मुझे बताइए दो आदमी अगर किसी बंद कमरे में, इसी पर्दे के पीछे का तो खेल तो लोगों को समझाना है कि अमित शाह वाकई में बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं वसुंधरा जी के आगे, ये साफ खेल इस समय दिख रहा है। ये बात सही है आपकी एक हद तक कि अल्टीमेटली उनके पास जाना पड़ा और आपको जाना पड़ा, यही बहुत कुछ कहता है, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किलू जी जनता इससे समझ जाएगी। पर क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी 6 महीने में हार मानने को तैयार हो जाएंगे? शायद मुझे लगता है अगर वो खींचेगी भी तो पंचायत चुनाव तक खींचे। और पंचायत चुनाव आप कह रहे हैं कि जनवरी में है, समटाइम्स इन दिसंबर और मार्च के बीच में कभी हो सकते हैं। चलिए, तो बहुत कुछ खेल इस समय राजस्थान में चल रहा है और उससे जो सामने एक से बात मैं बोल के, एक बात मैं नीलू जी बोल के खत्म करूंगा, चाहूंगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। राजस्थान में बीजेपी में एक चीज अंत में माननी पड़ेगी, उठा पटक चल रही है, घमासान चल रहा है, बवाल उठ रहा है, बवंडर है, ये किसी भी दिन बवंडर बन के उड़ेगा। यानी कि पर्दे के पीछे बहुत सारा खेल चल रहा है और उसी खेल को समझने की जरूरत है। जो हेडलाइंस आप अखबार में पढ़ रहे हैं कि भाई भजन लाल शर्मा वसुंधरा से मिले, वो इतनी सीधी सपाट स्टोरी नहीं है, बहुत कुछ दिल्ली से जिसका संचालन चल रहा है वो है असली खेल। और पर्दे के पीछे का खेल यही है कि अमित शाह वसुंधरा राजे के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और अपने चहेते अपने पर्ची वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने वसुंधरा राजे के दरवाजे भेजा है कि भाई आप थोड़ा सा अपना माइंड खोलें, हमें भी अकोमोडेट करें, हम आपको अकोमोडेट करेंगे, कुछ इस तरीके का ये खेल है। लेकिन वसुंधरा राजे ने अपना संकेत दे दिया, वो बजट में नहीं गई और वो एक साफ संकेत है कि एक सीधा तमाचा वसुंधरा राजे ने अमित शाह और भजन लाल दोनों को एक तरीके से मारा है और मार के बता दिया कि वो अपनी मन मर्जी की है और उन्हीं की मर्जी चलेगी और इसी तरह से आगे का खेल चलेगा। और अगर ये खेल वसुंधरा अमित शाह को मंजूर नहीं है तो फिर हो सकता है कि अमित शाह सोचें तो क्या वसुंधरा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात सोची जाएगी। ये सब अभी थोड़ा सा स्पेक्यूलेटिव है इसलिए इसको बाद में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी का खेल यही है कि अमित शाह लाचार लग रहे हैं, मजबूर लग रहे हैं इस समय वसुंधरा राजे के आगे। थैंक यू सो मच चैनल जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन न्यूज़ लॉन्चर। थैंक यू।